दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है YouTube चैनल में। ब्रेकिंग न्यूज़, मोदी सरकार ने 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया लॉकडाउन, 17 मई तक रहेगा जारी। दोस्तों मोदी सरकार ने फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया है। पहले जो इसकी म्याद थी 3 मई तक थी, तो 3 मई तो अभी आई नहीं है, इससे पहले ही 17 मई तक जारी कर दिया है। तो क्या है पूरी जानकारी ले लेते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। वैसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देश में संक्रमण का संकट बढ़ रहा है। संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। इसी बीच संक्रमण से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल लॉकडाउन 2 की म्याद 3 मई को ख़त्म होने वाली, हालांकि इससे पहले ही मोदी सरकार के जरिए देशवासी लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा जाने का फैसला किया है। अब 4 मई को 17 मई तक ये लॉकडाउन 3 लागू रहेगा। इस दौरान जारी रहने वाली गतिविधियों के लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। ई कॉमर्स को अनुमति, हालांकि मोदी सरकार ने इस बार लॉकडाउन में कुछ छूट दी है। इस छूट के मद्देनज़र ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई तरह की रियायतें की हैं। इन रियायतों में ई कॉमर्स को छूट देने का ऐलान किया है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स को मंजूरी दी गई है। इन जोन में गैर जरूरतमंद सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर भी छूट दी गई है। इसके लिए ही ग्रीन जोन में 50% सवारी लेकर बसें चलाने की अनुमति दी गई है। ग्रीन जोन में बस डिपो की 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। मॉल पब्स रहेंगे बंद। हालांकि इस दौरान कई गतिविधियों पर रोक जारी है रहेगी। लॉकडाउन के दौरान स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थाओं को 17 मई तक बंद रखा जाएगा। इसके अलावा मॉल, सिनेमाघर, रेस्टोरेंट आदि को भी बंद रखा जाएगा। इस दौरान हवाई, रेल और मेट्रो की यात्राओं पर भी पाबंदी रहेगी। तो दोस्तों मोदी सरकार ने 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।